हरे कृष्णा। कभी कभी छोटी छोटी चीजें जीवन में बहुत मायने रखती हैं, बहुत इंपॉर्टेंस, बहुत महत्व रखती हैं। स्मॉल थिंग्स कैन चेंज योर लाइफ इन अ बिग वे। आइए देखते हैं इसको एक भगवान श्री कृष्ण की छोटी सी लीला से। जब भगवान कृष्ण एक महीने के थे तो पूतना को मारा, लेकिन जब 3 महीने के हो गए तो उस समय भगवान के लिए एक बहुत बड़ा फेस्टिवल अरेंज किया गया, क्योंकि भगवान रेंगने लगे, करवट बदलने लगे। तो भगवान रेंगने लगे, करवट बदलने लगे, इसको सेलिब्रेट करने के लिए उनकी माता ने बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया। और जब वो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया, उसमें बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारे ब्राह्मण थे, बहुत सारे समाज के लोग आए थे, खाना पीना चल रहा था, मंत्र उच्चारण हो रहा था, चैंटिंग, पूजा, सिंगिंग, डांसिंग सब हो रहा था। इसमें भगवान कृष्ण छोटे बालक है 3 महीने के लिए, उनको नींद आने लगी। जब नींद आने लगी तो माता यशोदा ने सोचा, इनको अच्छे से सुला देती हूँ, फिर मैं सब अतिथि का सत्कार, गेस्ट हॉस्पिटैलिटी करती हूँ। माता यशोदा ने छोटे बालक को एक बड़ी सी हाथगाड़ी थी उसके नीचे सुला दिया। उस हाथगाड़ी में बहुत सारे सामान पड़ा था, लेकिन वो हाथगाड़ी इतनी मजबूत थी, माता को लगा इसके नीचे, देखिए ये सिंपल व्रज के लोग हैं, वहाँ पे उनको हाथगाड़ी के नीचे सुला दिया और बहुत ही सुरक्षित, बोला ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड जगह है, इतनी बड़ी छोटी सी उसके अंदर छोटा सा बच्चा सोया है, वेरी गुड, सेफ। लेकिन हुआ क्या, उस हाथगाड़ी के अंदर एक असुर, एक राक्षस आ गया जिसका नाम था शकटासुर। और वो कभी आया, जब ही माता देख नहीं रही थी, माता बाकी गेस्ट के साथ बिजी थी। तो जब माता बाकी गेस्ट के साथ बिजी है तो उस समय वो राक्षस आ गया और वो राक्षस बालक को दबा के मार देना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, भगवान श्री कृष्ण को जब मालूम चला यहाँ पे शकटासुर आया है, भगवान श्री कृष्ण ने अपने छोटे से पांव से, भगवान श्री कृष्ण 3 महीने के हैं, 3 महीने के बच्चे के पांव कैसे होते हैं, इतने छोटे पांव थे जैसे एक पेड़ का कोमल सा पत्ता होता है, पेड़ का कोमल सा नया नया उगा हुआ पत्ता, इतना कोमल होता है, हवा से ऐसे उड़ जाएगा, कोई थोड़ा सा भी दबाव लगाएगा तो टूट जाएगा। अरे यहाँ पे छोटे से कोमल कोमल पांव से भगवान ने इतनी बड़ी गाड़ी को थोड़ा सा किक किया, ऐसा हल्का सा टच किया, गाड़ी के नीचे है उसको किक किया, उसको किक किया, वो राक्षस मर गया, उस गाड़ी के सारे बर्तन इधर उधर गिर गए, सब कुछ टूट गया। छोटे से पांव से इतने बलशाली राक्षस को मारा, इसको हम कई दृष्टिकोण से समझ सकते हैं, लेकिन एक चीज भगवान बता रहे हैं हमारे जीवन में, छोटी छोटी चीजें भी बड़ा कमाल कर सकती हैं। ये छोटा सा पक्षी है, सॉरी छोटा सा पांव है, ये छोटा सा पांव इतना बड़ा काम कर रहा है, भगवान दिखा रहे हैं छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल स्माइल, मुस्कुराना। देखिए मुस्कुराने का क्या महत्व है, गाड़ी होती है ना, गाड़ी, गाड़ी का स्पीड कैसे नापते हैं आप, कितने मील एक घंटे में चलती है, तो स्पीड ऑफ द कार इज मेजर्ड बाय माइल्स पर आवर, कितने मील एक घंटे में चलती है, कितना माइल कवर करती है। जैसे गाड़ी का स्पीड माइल प्रति घंटे में कवर होता है, ऐसे ही जीवन किस दिशा में जाएगा वो डिस्कस होता है स्माइल प्रति घंटे, कितना आप जीवन का सामना स्माइल करके करते हैं। तो स्माइल बढ़ाते जाओ, जीवन की गति बड़ी फास्ट हो जाएगी, जीवन सही दिशा में जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण आता है इसका, जब भी एक व्यक्ति एक बहुत बड़े रेफ्रिजरेटर प्लांट में काम करता था, रोज अंदर जाते हुए उधर के वॉचमैन को स्माइल करके नमस्ते करता था, बड़ा प्रेम, स्माइल से प्रेम देता था। एक दिन वो पूरा दिन जब भी वो, तो जो व्यक्ति हमेशा स्माइल करके अंदर जाता था, एक दिन क्या हो गया, सब लोग वर्कर बाहर आ गए, वो बाहर नहीं आया, देर रात हो गई, वो बाहर ही नहीं आया, और रेफ्रिजरेटर प्लांट है तो अंदर बहुत ठंडी रहती है। ये वॉचमैन को आदत थी कि ये व्यक्ति जब भी जाता है और आता है, स्माइल करता है, नमस्ते करता है, इसका एक विशेष योगदान है, इसके आने से एक विशेष प्रेम का अनुभव होता है। उस दिन वॉचमैन ने सोचा, यार सुबह स्माइल करके अंदर तो गया था, बाहर आया नहीं, देखिए इतने लोग जाते थे वो स्माइल नहीं करते थे, ये व्यक्ति स्माइल करता था। ये व्यक्ति उसको अंदर ढूंढने के लिए गया तो देखा ये किसी मशीन के यहाँ फंस गया है और वो इतनी ठंडी में पूरा जम गया है उसका शरीर, और उसको इसका अनुभव कैसे हुआ, एक स्माइल से, उसने जाते हुए स्माइल अनुभव किया, वापस आते हुए स्माइल अनुभव नहीं किया, एक स्माइल से व्यक्ति का जीवन बच सकता है, वो व्यक्ति को बचा के लाया।
आशीर्वाद लेना, दूसरा उदाहरण, किसी के चरण छू के आशीर्वाद लेना, लोग बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू हो रहा था तो पांडव इस तरफ थे, पांडव इस तरफ थे, कौरव इस तरफ थे। पांडवों को कौरवों के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी और कौरवों में दो सबसे शक्तिशाली लोग थे, द्रोणाचार्य और भीष्म। वो बड़े थे उम्र में, तो पांडवों ने क्या किया, द्रोणाचार्य और भीष्म के पास गए और द्रोणाचार्य और भीष्म के चरण स्पर्श किए। अभी कोई बोलेगा क्या जरूरत है, अभी वो आपके ऑपोजिट साइड पे हैं, तो उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेने का मतलब क्या है। लेकिन उन्होंने आशीर्वाद लिया और जैसे ही चरण स्पर्श किया उनके मुंह से निकल गया विजयी भव, मतलब आपकी विक्ट्री होके रहेगी। तो जबकि वो दुश्मन की साइड है लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया है तो इनकी विक्ट्री हो जाएगी। छोटी छोटी चीज कितना मायने रखती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या आता है, देखिए अभी इसी आशीर्वाद में हमको ये भी समझेगा कि कैसे जब भी कोई व्यक्ति अपने माता पिता के विरुद्ध कुछ करना चाहता है, विरुद्ध यानी माता पिता बोलते हैं पैसा ऐसे कमा, बच्चा बोलते हैं नहीं मैं पैसा ऐसे कमाऊंगा। बेस्ट तो है अगर बच्चा माता पिता के मार्ग पे चले, लेकिन कभी कभी बच्चे के हृदय में कुछ ऐसा आइडिया आता है, उसको लगता है वो सक्सेस होगा और माता पिता उस समय समझ नहीं पाते। तो ठीक है, बच्चा अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए उस मार्ग पे चले, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है बच्चा अगर चलेगा उस मार्ग पे, लेकिन उस मार्ग पे जाते समय माता पिता का अपमान करके मत जाओ। माता पिता के चरण स्पर्श करके माता पिता का बोलो शायद आप सही बोल रहे हो, लेकिन मेरे अंदर से इतनी आवाज उठ रही है, मैं आपकी बात पालन नहीं कर पा रहा, मुझे अफसोस है, लेकिन आशीर्वाद दीजिए अगर मैं दूसरे मार्ग पे जा रहा हूं, अगर वो सही नहीं है तो थोड़ा अनुभव करके वापस आ जाऊं, और अगर सही है तो मुझे सफलता मिले। लेकिन आपका आशीर्वाद जरूरी है, आपका सम्मान करके आपका आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से पांडव एक मार्ग पे थे, भीष्म और द्रोण जो परिवार के बड़े हैं वो दूसरे मार्ग पे थे। पांडवों को इस मार्ग पर चलना था लेकिन चलने से पहले भीष्म द्रोण का आशीर्वाद दिया और वही आशीर्वाद उनकी विजय का कारण बना, क्योंकि उन्होंने बोला विजयी भव। छोटी छोटी चीजें बहुत दुनिया में काम आती हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति कारपेंटरी का काम करता था, लेबर का काम करता था और अपने मालिक के यहाँ बहुत सेवा किया उसने। काफ़ी साल बीत गए, काफ़ी दशक बीत गए, 30-35 साल के बाद जब वो नौकरी छोड़ रहा था तो उसने बोला मालिक जी अभी मैं बूढ़ा हो गया, अभी मैं नौकरी छोड़ूंगा। मालिक ने बोला ठीक है तुम नौकरी छोड़ रहे हो लेकिन एक छोटा सा काम है वो मेरा कर दो, आखिरी घर बनाना है, आपने बहुत सारे घर बनाने में मेरी मदद की है, इस घर बनाने में मेरी मदद करो। उसने उस घर को कंस्ट्रक्ट करने में बोला ठीक है अभी आप आखिरी काम बोल रहे हैं तो करता हूं। उसने घर बनाया लेकिन उसको लगा ये मेरा आखिरी काम है, मैं टूटा फूटा काम करता हूं, दिल से काम नहीं किया। छोटी छोटी चीज में उसने दिल नहीं लगाया और जब छोटी छोटी चीज में दिल लगा के मन लगा के काम नहीं किया तो क्या हो गया, जब मकान बन गया और मकान बनने के बाद चाबी वो मालिक को देने गया, मालिक ने बोला ये चाबी तुम रखो, एक्चुअली मैं तुमको सरप्राइज देना चाहता था और ये घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। तब उसको लगा ओ नो, अगर मैंने ये काम अच्छे से किया होता, अगर मुझे मालूम था ये मेरे लिए है तो मैं छोटी छोटी चीज और हाई क्वालिटी से किया होता, कम क्वालिटी का लकड़ी यूज करना या कम क्वालिटी का फर्नीचर बनाना ऐसा नहीं किया होता। ऐसे ही जब आज हम किसी स्थिति में पड़े हैं और उस स्थिति में हमको लगता है इस स्थिति से क्या होगा, आज भगवान ने हमको इस स्थिति में डाला है, हम सारा काम चालू तरीके से करते हैं, बट दैट इज़ नॉट वेरी गुड। जिस स्थिति में भगवान ने डाला है उस स्थिति में जो सेवा आप कर सकते हैं दिल लगा के करो, वही सेवा कल को हो सकता है आपका भविष्य बनाएगी, आपका भविष्य पूरा उस पर निर्भर हो सकता है। और लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा मैं, एक और उदाहरण आपको, स्माइल का उदाहरण दिया, आशीर्वाद का उदाहरण दिया, छोटे छोटे काम करने का उदाहरण दिया। भगवान ने छोटे से पांव से रथ को तोड़ा था, उस राक्षस को मारा था, उससे हम चौथी बात ये सीखते हैं कि भगवान, हमको लगता है भगवान को हमारे जीवन में जोड़ के हमें क्या मिलने वाला है, हमको लगता है ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जप करने से हमारे जीवन में क्या मिलेगा। लेकिन ये छोटे से भगवान के पांव लग रहे हैं ना, बहुत छोटे हैं, इससे क्या होगा, इतना बड़ी समस्या कैसे हल होगी। हम मूर्ख हैं, भगवान दिखा रहे हैं
मैं दिखता छोटा हूँ लेकिन बहुत कमाल कर सकता हूँ जीवन में। और कुछ ध्यान से करो या ना करो बाद की बात, पहले अपना जो भगवान के नाम का जप है वो पूर्ण रूप से ध्यान से करो, देखो भगवान कैसे कैसे चमत्कार हमारे जीवन में करेंगे। तो शकटासुर राक्षस जो 3 महीने की उम्र में भगवान के जीवन में आया, उससे हम सीख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े काम कर सकती है, बड़ा बड़ा लाभ हमें दे सकती है और हमारे जीवन में बहुत मायने रखती है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।